नमस्ते, आप देख रहे हैं VSM Prime। हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपके सामने लाएंगे एक दर्दनाक घटना की कहानी। ये कहानी है एक 20 वर्षीय युवती यशस्वी शिंदे की, जिनकी हत्या ने पूरे नवी मुंबई के उरण क्षेत्र को झकझोर दिया है। यशस्वी शिंदे, जो अपने परिवार के साथ उरण में रहती थी और बेलापुर में काम करती थी, हर दिन उरण से बेलापुर तक यात्रा करती थी। गुरुवार को जब वो घर नहीं लौटी तो उनके चिंतित माता पिता ने उरण पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवार और दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की भरपूर कोशिश की। उनके माता पिता ने उनके ऑफिस, दोस्तों और अन्य जानकारों से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिवार के कुछ सदस्य इलाके में भी खोजबीन करने निकले, परंतु सब व्यर्थ रहा। शनिवार की सुबह पुलिस को उरण रेलवे स्टेशन के पास एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल भेजा, जहां शिंदे के परिवार ने उसकी पहचान की। इसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। यशस्वी के पिता सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति दाऊद शेख उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। पुलिस का मानना है कि यह हत्या एक तरफा प्रेम प्रसंग का परिणाम हो सकती है। शिंदे के शरीर पर, पेट और पीठ पर कई बार चाकू के वार किए गए थे और उसकी हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया था। उरण पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश में 7 टीमों का गठन किया है और अपराध शाखा भी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पाया कि शिंदे ने गुरुवार को सिर्फ आधे दिन का काम किया था, जिससे उन्हें लगा कि हत्या दोपहर 3:30 या 4 बजे के आसपास हुई होगी। अधिकारी CCTV फुटेज की भी जांच कर रहे हैं। 2019 में शिंदे के माता पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई थी। 2022 में जेल से रिहा होने के बाद शेख ने फिर से शिंदे से संपर्क किया। शिंदे के माता पिता को दाऊद के साथ उनके संबंधों से धार्मिक मतभेदों के कारण समस्या थी, लेकिन यशस्वी ने फिर भी उनसे संबंध बनाए रखे। गुरुवार को जब यशस्वी लापता हो गई, दाऊद उस क्षेत्र में आया था और दोनों मिले थे। पुलिस की जांच के अनुसार वे उस जगह बैठे और बातें कर रहे थे जहां उसका शव मिला। उनकी बातचीत एक झगड़े में बदल गई, जहां दाऊद ने शायद उसे चाकू मार दिया और फरार हो गया। भारी बारिश के कारण लड़की का शव मिलने तक बहुत अधिक सड़ चुका था। पुलिस ने शेख को पकड़ने के लिए कर्नाटक में भी टीमें भेजी हैं, जहां से वह आता है। वर्तमान में वह इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। केवल उसकी गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के पीछे के मकसद का पता चल सकेगा। आप बने रहें VSM Prime के साथ, हम इस मामले पर आपको हर नई जानकारी से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।